दोस्तों ये दिखाना दिखाना। तो दोस्तों ये 1800 वोल्ट की पावर सप्लाई है और ये जा रही है हरियाणा। ये इसमें यहाँ पे देखिए आउटपुट में इसके बारे में अभी एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूँ पैकिंग करने से पहले, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इनपुट है, यहाँ पे इनपुट होगी 12 वोल्ट बैटरी की इनपुट होगी, जो हम कुछ इस टाइप की बैटरी होंगी, इस टाइप की बैटरीज होंगी, इस टाइप की 12 वोल्ट की बैटरी से आप यहाँ पे इनपुट देंगे। यहाँ पे इनपुट जहाँ पे लिखा है यहाँ पे इनपुट देना है इस बैटरी से जो आएगा। फिर यहाँ से जो आउटपुट निकलेगा यहाँ से आपको आउटपुट लेना है, आउट यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एडजस्टेबल टोन भी मिलता है, आउटपुट यहाँ पे अपने अनुसार आप यहाँ पे वोल्टेज को एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। 12 वोल्ट से लेके 99 वोल्ट तक ये देगा आपको यहाँ पे आउटपुट। और ये जो है ये बीच वाला टोन जो है ये एम्पियर का टोन है, इससे आप अपने एम्पियर को कम ज़्यादा बढ़ा सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। और एक ये वाला जो टोन है इसे आप वोल्टेज को एडजस्ट कर देंगे बैटरी की, तो जो बैटरी आपकी जो लो होगी तो ऑटोमेटिक ही ऑटो कट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए हम किस प्रकार से इसकी पैकिंग करते हैं। और यहाँ पे जो है ये भी नीचे देखेंगे आप तो यहाँ पे मॉस्फेट लगा हुआ है, 2SC5200 वाला नीचे मॉस्फेट हमने लगा रखा है। और एक ट्रांजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है, एक मॉस्फेट यहाँ पे लगा हुआ है, दो मॉस्फेट इधर लगे हुए हैं और बीच में एक मॉस्फेट लगा रखा है, ठीक है। और इसको मैंने चला के दिखाई रखा है पिछली वीडियो में कैसे चलाना है, तो इसमें भी आप लोगों को पता चल ही गया होगा, वायरिंग मैंने बताई दी है आप लोगों को। तो ये 1200 वाट में भी आता है, जो 1800 वाट में भी आता है। और ये 20 एम्पियर के इसमें 3 फ्यूज लगा रखे हमने इसमें। किसी और पावर सप्लाई में आप देखिए तो आप लोगों को वहाँ पे सिर्फ दो ही फ्यूज़ मिलेंगे। ये ओरिजिनल बोर्ड है, तो इसीलिए इसमें जो है अपना इसमें हमने 3 फ्यूज़ लगा रखे हैं। इसमें ओरिजिनल बोर्ड है इसीलिए हमने इसमें 3 फ्यूज़ लगा रखे हैं, ठीक है। और तो और यहाँ पे हमने एक 12 वोल्ट डीसी फैन भी दे रखा है और काफ़ी मोटी हीट सिंक दे रखी है। तो दोस्तों चलिए अब हम शुरू करते हैं इसकी पैकिंग, ठीक है। अच्छा ड्राइवर क्या वो एनीडेक्स को लेके करना पड़ेगा लो, ठीक है, करवाता हूँ एनीडेक्स पे कराना पड़ेगा। तो थोड़ा एलपीडी है। इतना कार्टून है अभिलाष यार, क्यों ये इसके लिए फोन कर रहा है, खाया होगा ये लिया होगा, ये कह रहा है कि वो खाया, बोल रहा है इसको दबाएगा बढ़िया बराबर, दबा दे लग जाएगा, इतना क्या करना है उसे, क्या दिक्कत है। अरे ये नहीं उठाया, उठ गया फाइनल, उठ गया तो दबा देता, उससे क्या दिक्कत है, लॉक हो जाएगा वो, उससे वो क्लाइंट बोल रहा है ये तो खुला, उसको तो कहेगा टूट टूट गया, टूटा थोड़ी है, टूटा नहीं लॉक है। कुछ प्रकार से पैक हो जाएगा, किससे गया, बाइक से गया, बाइक किसका, वो अपना लेके कैब किया ना उसको, और भी काम था ना दो तीन जगह, तो 180 रुपया लिया बाइक वाले वहाँ तक का बबल को इसके ऊपर से लगा देंगे, बाइक जाएगा घर से सीबीआर भी जाएगा, वहाँ से बैटरी लेना है, अडाप्टर लेना है, कभी तुमको नहीं हैरानी कि एक आदमी ने सारे काम करके आ जाएंगे, क्योंकि तुम भी जाएगा बाइक बना रहे भी लेके जाएगा तो 3 आदमी ले जाता है ना फिर आदमी में। दोस्तों कुछ इस प्रकार से पैकिंग की जाती है, ठीक है। तो टाइटल में नंबर शो हो रहा होगा, इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मंगवा सकते हैं। 1200 वाट की पावर सप्लाई भी अवेलेबल है हमारे पास और 1800 वाट की पावर सप्लाई भी अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं अकाउंट से किया, अब इस पे एड्रेस लिख के चिपकाना है बस। तो दोस्तों कुछ इस टाइप से जो है अच्छी तरीके से टेपिंग कर दी जाती है, ठीक है, ताकि बारिश वारिश का भी कोई चक्कर।
अब जो बाकी है बस इसके ऊपर हरियाणा का एड्रेस लगाना, तो हरियाणा का एड्रेस हम इस पर लगा देंगे, और वो जो कुरियर वाली वीडियो है उसकी भी वीडियो मैं अलग बना के डालूंगा, ठीक है भाई। ये इसी में ऐड कर दूंगा मैं। Yeah. Mm-hmm. 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 Mm-hm